जब रात होती है तब अंधेरा होता है, और इसी अंधेरे में जंगली जानवर निकलते हैं, चंगादड़ निकलते हैं, या तक तो भूत भी निकलते हैं। लेकिन इसी अंधेरे में एक और प्राणी भी निकलता है जो कि काफ़ी अजीब है, और वो है हम जैसे एस्ट्रोफोटोग्राफर और एस्ट्रोनॉमर भी। हम ऐसे प्राणी हैं जो कि शिकार करने नहीं निकलते बल्कि कुछ ढूंढने निकलते हैं, डिस्कवरी करने निकलते हैं, और ये ऐसा मकसद है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हेलो एस्ट्रो प्राणी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी लवर है तो ये वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं होने वाली। आज की वीडियो में मैं अपने बड़े और एक्सपेंसिव टेलीस्कोप से एक नेबुला को कैप्चर करने वाला हूँ, जिसे कहते हैं ओराइन नेबुला। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपके लिए दो बड़े बड़े सरप्राइज हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, तो हमारा टेलीस्कोप सेटअप हो चुका है, हमें बस थोड़ी बहुत तैयारियां करनी है और फिर मैं कैप्चरिंग स्टार्ट कर दूंगा। आज मैं सिर्फ ओराइन नेबुला को ही कैप्चर नहीं करने वाला, आज मैं मल्टीपल गैलेक्सीज को भी कैप्चर करने वाला हूँ। और वो कौन सी गैलेक्सीज हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने तो पूरी वीडियो बना रखी है गैलेक्सी के ऊपर, आप ये वाली वीडियो देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो में तो हम सिर्फ ओराइन नेबुला पर फोकस करेंगे। फिलहाल जो भी हो, हमारा टेलीस्कोप बिल्कुल तैयार है और मैंने ओराइन की कैप्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है। आइए मैं आपको लाइव व्यू दिखाता हूँ नेबुला का। ये देखिए कितनी सारी डस्ट, स्टार्स और ग्लो है इस नेबुला में। बहुत ही कमाल का लगता है कि हम आंखों से लाइव इसे देख पा रहे हैं। लेकिन रुकिए, आप में से कई क्यूरियस लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये है क्या और इसके अंदर हो क्या रहा है। मोस्टली लोग बस इसे देखते हैं और कहते हैं खूबसूरत है और फिर चले जाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको सिर्फ इमेज ही नहीं दिखाने वाला बल्कि हम इसके बारे में डीप में भी जानेंगे, जिसके लिए मेरा चैलेंज जाना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ओराइन नेबुला कहाँ पर मौजूद है आसमान में और आप इसे कैसे देख सकते हैं। तो ये नेबुला मौजूद है ओराइन कॉन्स्टेलेशन में, जिस कॉन्स्टेलेशन को आप आराम से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप तीन तारों को एक सीधी लाइन में देख सकते हैं, जिसे ओराइन बेल्ट कहते हैं। आपको इसके थोड़ा नीचे देखना है मिडल में, और आपको ओराइन नेबुला मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने 7 तरीके बताए हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढें स्पेस में। फिलहाल ओराइन नेबुला पर फोकस करते हैं। वैसे इस नेबुला को मेसियर 42 भी कहते हैं। यह नेबुला सबसे ब्राइटेस्ट नेबुला में से एक है। इसका ब्राइटेस्ट मैग्नीट्यूड है 4.0, जो कि बहुत ज़्यादा है। यह नेबुला हमसे 1300 लाइट ईयर्स दूर है और 15 से 20 लाइट ईयर्स के रेडियस में फैला हुआ है, यानी ये बहुत ही बड़ा है। वैसे हाँ, आप सोच रहे होंगे ये नेबुला क्या चीज़ है, ये किस चीज़ से बना है, पेंटिंग जैसा लग रहा है। तो चलिए इसे एक बार उस नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से आज तक किसी ने नहीं देखा, यानी 3D में। अभी आप जो क्लाउड देख रहे हैं, ये क्लाउड बने हैं गैस एंड डस्ट से। इस नेबुला का ज़्यादातर पार्ट बना है मॉलिकुलर क्लाउड कॉम्प्लेक्स से। इन क्लाउड्स में कई सारे स्टेलर नर्सरी हैं, जिनमें 700 से भी ज़्यादा स्टार बन रहे हैं। इनमें से कई स्टार बनेंगे, तो कुछ बनना स्टार्ट हुए हैं, तो कुछ प्रोटो स्टार हैं, और तो कुछ बन चुके हैं। यानी ओराइन नेबुला एक ऐसी जगह है जहाँ पर मटेरियल की कमी नहीं है, जहाँ पर कई सारे स्टार बनते हैं और बनेंगे। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस इन्फिनाइट नहीं चलेगा। आज से 1,00,000 साल बाद ओराइन नेबुला फॉर्म होकर कुछ हद तक यंग ओपन क्लस्टर जैसा दिखने लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर डस्ट एंड गैस स्टार्स में फॉर्म हो चुके होंगे। फिलहाल ये सब तो फ्यूचर की बात है, थोड़ा ओराइन नेबुला को समझते हैं, उसके आर्टिस्टिक डिज़ाइन को समझते हैं, उसमें क्या क्या है। सो सबसे पहले जो आप देखेंगे वो इस नेबुला का चमकता हुआ रीजन, इसका कोर। यह कोर असल में छोटा स्टार क्लस्टर है जिसमें आपको 4 स्टार दिखाई देंगे, लेकिन असल में इसमें 8 से भी ज़्यादा स्टार हैं। इन छुपे हुए स्टार को देखना मुश्किल है, लेकिन आप इंफ्रारेड टेलीस्कोप से देख सकते हैं। असल में हम साइंटिस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को हर लाइट में देखना पसंद करते हैं, जैसे रेडियो, एक्सरे, इंफ्रारेड, गामा, माइक्रोवेव, यूवी, ईटीसी। इनमें से हर एक लाइट एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग डिटेल सामने लाती है। फिलहाल ओराइन नेबुला को जो चीज़ खूबसूरत बनाती है वो है क्लाउड। ये क्लाउड आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न बना रहे हैं, जैसे एक लाइन में आ गए हों या एक जगह इकट्ठे हो गए हों।
इस पैटर्न के बनने की शुरुआत होती है स्टेलर विंड से। स्टेलर विंड, यह विंड एमिट होती है किसी भी स्टार से। यह विंड जो स्टार से निकलती है वो असल में चार्ज पार्टिकलों की विंड होती हैं। यह स्टेलर विंड डस्ट एंड गैस को धकेल देती है जिससे वो एक तरह का पैटर्न बना लेते हैं जो कि वेव जैसा होता है। इस तरह का पैटर्न आपने नेचर में तो शायद ही देखा भी होगा। फिलहाल वैसे ओरियन नेबुला पे बात करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन ये वीडियो कॉम्प्लेक्स और काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। ये तो ओरियन नेबुला के ऊपर एक छोटा सा ओवरव्यू था ताकि आप समझ सके कि ओरियन नेबुला आखिर है क्या। फिलहाल जो भी हो, आइए हम कैप्चरिंग पे फोकस करते हैं। वैसे हाँ, किसी भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना कितना अलग होता है और ये कैसे करा जाता है, इसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है अपनी एंड्रोमेडा वाली वीडियो में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वो वीडियो ज़रूर देखें। वैसे मैं आपको बता दूं, डीप स्काई को कैप्चर करने के लिए हमें उस पर कई घंटों तक बने रहना होता है और एक्सपोजर लेते रहने होते हैं। हमारे पास जितना ज़्यादा डाटा होगा, इमेज में इंफॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, और यही मैं इस वक्त कर रहा हूँ। मेरा प्लान है कि मैं ओरियन का 5 घंटे का डाटा कलेक्ट करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही तगड़ी डिटेल्स चाहिए। हालांकि ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कुछ लिमिटेशन आ रही हैं यहाँ पर। पहली है पॉलिट्यूड स्काई, दूसरा है हमारा कैमरा। ये कैमरा DSO यानी डीप स्काई इमेजिंग के लिए नहीं बना है, और इस कैमरे का मेगापिक्सल है 2, जिसका सेंसर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इसके वजह से ओरियन नेबुला हमें ऐसे से ऐसा दिखेगा। मैं चाहता था कि ओरियन नेबुला को पूरे अपने फील्ड ऑफ व्यू में लूँ ताकि मैं उसका हर एक हिस्सा कैप्चर कर पाऊँ, लेकिन छोटे सेंसर की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें ऐसे ही काम चलाना होगा। खैर, हम क्या कर सकते हैं। वैसे कैप्चरिंग में हमें कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, उनमें से एक हवा जो कि बहुत ही तेज चल रही है। हवा की वजह से हमारा टेलीस्कोप कांप रहा है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोजर बेकार हो रहा है। इससे बचने के लिए मुझे चारों साइड को कवर करना पड़ा ताकि टेलीस्कोप पे कम से कम हवा पड़े। यह सॉल्यूशन करना हमारे लिए इतना भी आसान नहीं था, लेकिन हमने कैसे न कैसे ये कर लिया। वेल, ये तो बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, लेकिन इससे हमारा काम आसान नहीं होता क्योंकि हमें कई रातों तक जागना होगा, कैप्चरिंग करनी होगी। इस दौरान हम सो भी नहीं सकते चोरों की वजह से, तो ये दिन हमारे लिए काफ़ी मुश्किल रहने वाले हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग भी। ओके, तो हमने 3 दिन लगा के ओरियन को कैप्चर कर लिया है और हमारे पास बहुत ही अच्छा डाटा है, और मैं आपको फाइनली में जल्द से जल्द दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ओरियन को फिर से कैप्चर करा जाए, वो भी अपने DSLR से, ताकि हमें बड़ा फील्ड ऑफ व्यू मिल सके, और आखिर में मैं आपको दोनों फाइनल इमेज दिखाऊँ। ओके, तो मैं आया हूँ फिर से ओरियन कैप्चर करने, वो भी DSLR से। हम जल्दी से अपने टेलीस्कोप को सेटअप कर लेते हैं। वैसे मैं टेलीस्कोप सेटअप कर ही रहा था तभी मेरी नज़र इस पे पड़ी। ये देखिए, ये है स्टारलिंग ट्रेल SpaceX सैटेलाइट्स की। मैंने ऐसा कुछ अपनी आंखों से पहली बार देखा है, वो भी इत्तेफाक से। ये सैटेलाइट्स हाल ही में डिप्लॉय हुई हैं और आयन थ्रस्टर्स के जरिए ये धीरे धीरे अपनी अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। ओके, टेलीस्कोप पे वापस आते हैं। हमारा टेलीस्कोप सेटअप हो चुका है और इस वक्त हम पॉइंट कर रहे हैं ओरियन की तरफ, और आप DSLR में उसका लाइव व्यू देख सकते हैं। हम इसे फोकस करेंगे। फोकसिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैटर्न ऑफ मास। परफेक्ट फोकस हो जाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी है गाइडिंग, और अब हमारी कैप्चरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आज की आसमान की बात करें तो ओरियन के करीब मून है, जिससे हमारी इमेज पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और आसमान में हल्के फुल्के क्लाउड भी हैं, उससे भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे आज ये कैप्चरिंग कम्प्लीट करनी है। वैसे मैं आपको बता दूं, DSLR यूज़ करने के कई सारे डिसएडवांटेज हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो में कवर करा है, तो आप ये वाली वीडियो देखना ज़रूर। खैर कोई नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. ओके, तो वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आपका स्वागत है और अब हम देखने वाले हैं कि मैंने क्या कैप्चर करा है। ओके, तो ये है एक सिंगल ड्रॉ फ्रेम। अगर आप टेलीस्कोप से ओरायन को देखोगे अपनी आंखों से तो आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये है 4 घंटे का स्टैक डाटा, फिर इसे प्रोसेसिंग करी और फिर पोस्ट प्रोसेसिंग और ये है फाइनल इमेज। वाओ, ये इमेज देख के तो मजा आ गया। इस इमेज में जो कलर हैं वो मैंने दिए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये हर इमेज के तरह ही एक जैसे लगे, वही सेम कलर। मैं कुछ अलग चाहता था, ऐसा जिसे लोग देखकर ही पहचान जाएं कि ये इमेज किसने ली है। और हाँ, अगर आप ओरिजिनल कलर देखना चाहते हैं तो वो वाली इमेज भी मैंने प्रोसेस करी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये भी अच्छी है लेकिन इसमें वो दम नहीं है जो इस वाली में है। ओके, तो अब मेरी अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं जिसे मैंने DSLR से कैप्चर करा है। याद रखिए, वो मेरी कोई मेन इमेज नहीं है, उसे तो मैंने ऐसे ही कैप्चर कर लिया। तो आइए देखते हैं। तो ये है सिंगल रॉ फ्रेम, ये है स्टैक फ्रेम, फिर प्रोसेस करा और फिर पोस्ट प्रोसेसिंग और ये है फाइनल इमेज। तो ये इमेज भी ठीक ठाक है। याद रखिए, इसे DSLR से कैप्चर करा गया है और ये 1 घंटे का एक्सपोजर है जिसे हमने 4 घंटे लगा के कैप्चर करा है। तो इस डाटा को स्टैक करा है सपोजर ने और प्रोसेस करा है मैंने। हमने ऐसा टाइम बचाने के लिए करा है। उम्मीद करता हूँ आपको इमेज पसंद आई होगी और मेरी बाकी की इमेज भी आपको पसंद आई होगी। ओके, तो अभी वीडियो का अंत नहीं हुआ है क्योंकि मैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और वो ये है कि एस्ट्रो इंडियन एक्स की अब वेबसाइट भी अवेलेबल है जिसे मैंने डिज़ाइन करी है, जहाँ पर मैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो फोटोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट डालूंगा। लेकिन हाँ, समय के लिमिटेशन के वजह से मुझे ज़रूरत है मदद की। अगर आप में एस्ट्रो फोटोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और वेबसाइट संभालने का है एक्सपीरियंस और आप भी इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ काम करने में तो हमें ज़रूर संपर्क करिएगा। और हाँ, अब बात करते हैं फंड प्रोग्राम की। आपको याद है ना एस्ट्रोनॉमी कैमरे के लिए, ताकि हम आपके सपोर्ट से इस कैमरे को बाय कर सके, तो हमने 62% फंड जमा कर लिया है। मंजिल बहुत दूर है लेकिन मुझे उम्मीद है हम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस UPI के जरिए हमें फंड कर सकते हैं, वरना और तो ऑप्शन अवेलेबल है ही। फिलहाल जो भी हो, यह वीडियो का एंड है। जिन्होंने भी हमें सपोर्ट करा बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि आएगी थोड़ी लेट पर आएगी ज़रूर। तो टाटा।